गीता में कई बार कहते हैं, नमेव वंश जीवलोके, ये मेरा वंश है, ये पूरा जीव सब मेरे ही है, मेरा वंश है, आप लोग सब मेरे से भिन्न नहीं है, भिन्न भाव रखना ही नहीं चाहिए। मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे भगवान नहीं मिल सकते हैं, या मैं अच्युत हूँ, या मैं स्त्री हूँ, या मैं पुरुष हूँ, या मैं शूदर हूँ, या मैं ब्राह्मण हूँ, ये सब होना ही नहीं चाहिए। समत्वम योग युच्यते, भगवत गीता में भगवान कहते हैं समभाव रखो, सब उनके हैं। इसलिए हर जीव से हमें प्यार रखनी चाहिए, हर प्राणी से हमें प्रीत बढ़ाना चाहिए, सभी सृष्टियों को मान मर्यादा देना चाहिए। कोई देता है या नहीं देता उसे हमें कोई परवाह नहीं है, हमें करना चाहिए। हमारा धर्म है, हम अपना धर्म को करें। अगला करता है नहीं करता है, अगला कुत्ता जैसा भोगता है तो हम भी वैसा भोगेंगे, भोगेंगे और हम भी कुत्ते बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसी कारण हम मार खाते हैं, हम आगे बढ़ नहीं सकते। हमारा स्वभाव जो है प्रेमर स्वभाव, उसे रखना चाहिए। समभाव रखो, सुख और दुख में एक समान रहो। हम ईश्वर के हैं, हम प्रभु के हैं, वही मेरा खानदान है। हम बहुत बड़े खानदानी हैं, ऐसे अहंकार हम रखते हैं। हम ब्राह्मण है, ऐसे अहंकार हम रखते हैं। ये सब अहंकार को चूर चूर करनी चाहिए। उसके बाद ईश्वर का जो भाव है वो लाना चाहिए अंदर। जब तक वो भाव नहीं आएगा तब तक हम ईश्वर के बन ही नहीं सके। हम ईश्वर के हैं, हम उन्हीं के अंश है, हम उनसे अलग नहीं है और अलग हो ही नहीं सकते। कल भी उन्हीं के थे, आज भी उन्हीं के हैं, अब आने वाला भविष्य काल में भी हम उन्हीं के हैं, उनसे हम अलग हो ही नहीं सकते। अगर भगवान भी आके कहेंगे आप मेरा नहीं है, तो भगवान को बोलना आप भूल गए हैं, हम आपका ही है। ये दृढ़ विश्वास रखो, हम भगवान के हैं, हमारे अंदर उतना ही पावर है। उस पावर को हम सदुपयोग में लाना चाहिए। हम कर सकते हैं, ये मन में ठान कर अगर हम आगे बढ़े तो हमारा जो ये जीवन का तीर्थ यात्रा है, जीवन एक तीर्थ यात्रा है, इसे याद रखो। जीवन एक पवित्र तीर्थ यात्रा है और मनुष्य जीवन तो महातीर्थ यात्रा है। मनुष्य को भगवान ने अपने कल्याण के लिए सृष्टि किया है। अपना कल्याण करो। जब मनुष्य शरीर प्राप्ति करके खुद का ही नहीं कल्याण करेंगे तो दुनिया का कैसा कल्याण कर सकते हो। प्रथम अपना कल्याण करो, मुक्त हो जाओ शारीरिक भाव से, काम क्रोध लोभ मोह इस सब से मुक्त हो जाएंगे। शारीरिक भाव से जब मुक्त हो जाएंगे तो सिर्फ एक भाव रखो, वो ईश्वरीय भाव, वो चैतन्य भाव, वो आनंद भाव। कोई अपना नहीं है, कोई चीज मर मिटने वाला चीज दुनिया का अपना नहीं है, और उनका आधार लेकर जियो ही मत। मैं आपको बताती हूं, ये मेरा उद्धार करेगा, वो मेरा उद्धार करेगा, कोई किसको नहीं उद्धार करता है। कोई किसी को खिलाता पिलाता भी दो दिन पिलाएगा, दो दिन खिलाएगा। इवन मम्मी पापा को बच्चे नहीं खिलाते पिलाते, बोलो। माँ बाप को बच्चे नहीं देखते हैं,
कभी जाएगा ये बुड्ढा और कभी जाएगी बुड्ढी। माँ बाप बीमार हो जाते हैं, माता जी इस पार आ गया उस पार कर दो, बोलते मेरे को आगे कोई किसी का नहीं। जनावर के जैसे माँ का जो गो का एक जरिया है बस दुनिया में आने का, कोई नहीं करेगा, सिर्फ ईश्वर करेगा। भगवान का शरण पकड़ो, ये मेरा अनुभव है। उन्हीं को अपना मानो, सर्वस्व वही है, सर्वसाक्षी वही है। आप जो करते हो, जो आप करोगे और जो आपने पूर्व जन्म में किया है, उस सब का साक्षी ईश्वरी है, वो असंख्य है। असंख्य हम बोलते हैं उसे कि उनके लिए दूसरा कोई संग है ही नहीं, हमारे लिए उनका संग है। ईश्वर अविनाशी है, वो नहीं मरते। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, उनको कोई काट नहीं सकते हैं, किसी प्रकार का साधन लेकर भी ईश्वर को मार नहीं सकते। बंदूक लेके मारो या और भी किसी को किसी चीज लेके मारो, वो चीज हम है, इससे पावरफुल आत्मा हम है, भगवान के अंश हम है, हम ब्रह्म है। हमें ना कोई मार सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना धूल धो सकते हैं, गीला कर सकते हैं, हमें ना हवा उड़ा के ले जा सकते हैं, कुछ नहीं। अग्नि से भी हमें आफत नहीं, फिर क्यों दुर्लभ इतना, क्यों कमजोर इतना? क्योंकि अटैचमेंट, कारण अटैचमेंट, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, नाशी और जबरदस्ती आप लोगों से छूट के डर जाने वाला चीजों को आप लोग पकड़ लो। जो खुद ही हलता है उस खंभे को पकड़कर क्या फायदा है? कमजोर चीजों के साथ हम अपने को जोड़ेंगे, हम भी कमजोर बन जाएंगे। हलता हुआ खंभे को पकड़कर ऊपर चढ़ो तो आप भी साथ में हलोगे, फिर कमजोर पड़ जाओगे, भयभीत हो जाओगे, जीवन हलता डुलता रह जाएगा। भगीरथ के जैसा भाग्य प्राप्ति करो, कितना महाभाग्य उन्होंने प्राप्ति किया कि उनके तपस्या के कारण, उनके संकल्प के कारण, उनका मेहनत के कारण आज हम गंगा जल प्राप्ति किए हैं, जो पुण्य से भी पुण्य तीर्थ है, जिसका पानी अमृत है, अमर है, जिसके पानी में कभी कीड़ा नहीं आता है, जिसके पानी औषधियां है। गंगा जब बह के आती है बारिशों में, लोग कहते हैं उसमें नहाना चाहिए, पूरा ऐसे लाल कलर की आएगी, मट्टी से धुली हुई, लोग उसमें जाकर नहाते हैं। छी गंगा नहीं कहते हैं क्योंकि जड़ी बूटियों के साथ वो नीचे आती है। उस पानी में नहाने से कहते हैं कि शरीर लोखन के जैसा तंदुरुस्त हो जाता है। माता जी हम बैठ नहीं सकते हैं, कमरे में दर्द है, इधर दर्द है, कमरे में दर्द है, कुछ नहीं है। मन को बिठाओ, आप भी बैठो। साधना ऐसी चीज है, भगवान का नाम ऐसा चीज है, आपको सब शक्ति देगा। उनका नाम से हम भी नहीं, हमारे रिश्ते नाते सबका कल्याण हो जाता है। सात पीढ़ी तैर जाती है अगर एक कुल में एक जन भी ईश्वर का साक्षात्कार करे। उस साक्षात्कार के लिए प्रार्थना करो, उनको साक्षात्कार करो। सोचो मत, पकड़ पकड़ के रखो नहीं, हम पकड़ते हैं, हमें सब कुछ छोड़ता है।
गंगा नदी के किनारे एक झोपड़ी था, उसमें एक शिष्य और एक गुरु थे। शिष्य ने कहा, गुरुजी गंगा में एक बहुत अच्छा कंबल आ रहा है, मैं उसे निकालने के लिए जा रहा हूँ। गुरुजी ने बोला, बेटा वो कंबल नहीं है, संभालो। नहीं नहीं नहीं, बहुत चमकता है। और कूद पड़े और गंगा जैसे बहती है उसके साथ साथ बहकर उस चीज को पकड़ा, पकड़ लिया। फिर देखा तो वो एक बाड़ू बहता था उसमें, गंगा में, और बाड़ू ने इनको पकड़ लिया। गुरुजी बोले, छोड़ो छोड़ो, तुम छोड़ के आओ, इधर आ जाओ, बस मैं तुम्हें बुलाता हूँ, आ जाओ। शिष्य को बुलाते, गुरुजी वो मुझे छोड़ता ही नहीं है, कंबल मुझे छोड़ता नहीं है, बोला। गुरुजी ने कहा, कितना दुर्भाग्य है, इतना सत्संग और मेरे साथ रहने के बावजूद भी बेचारा लालच के कारण बाड़ू के साथ चला गया, बह के चला गया। हमारा अवस्था यही है, हम सुख समझकर दुख को पकड़ते हैं और वो दुख हमको पकड़ लेता है, फिर हम शोर मचाते हैं, छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं। कैसा छोड़ेगा जब तुम पकड़ा उसको सुख समझकर, ठंडी में काम आएगा करके उसने कंबल पकड़ने के लिए गया, वैसे तुम सुख समझकर दुनिया को पकड़ा है, अब वो सुख तुम्हें पकड़ लिया है, वो दुख में बदल गया है, तुमको अभी वो छोड़ता नहीं, ना इस पर ना उस पर बहके जा रही हो। ये है माया का खेल, प्रभु का याद करो, प्रभु के बनाई हुई चीजों को अपना मत मानो, कोई अपना नहीं है, सब प्रभु का है, सब ईश्वर का है, सब उनका है, उनका मानो। सिर्फ आप इधर नौकर जैसे या उनके चीजों को संभालने के लिए आपको भेजा गया है, ऐसे सोचो, सब मोह आस्ते आस्ते छूटेगा। सब चिंताओं को छोड़ो, सिर्फ ईश्वर का चिंता करो, ईश्वर के साथ लीन होने के लिए, वो उनका साक्षात होने के लिए, वो मिलने के लिए इच्छा रखो, वो परम इच्छा है, वो अच्छी इच्छा है और अवश्य मिलेगी। इतना प्रेम आपके पास रहेगा गोपियों के जैसा तो वो जरूर मिलेगी, वो तो प्रेम के भूखे हैं, आपका इतना प्रसाद के लिए भूखे नहीं है, उनको इतना सा कुछ मिठाई का छोटा छोटा वो राई नहीं चाहिए, उनको जाके फेंक के आते उसके सर के ऊपर, नहीं, वो आपके प्यार के भूखे हैं, वो दोनों हाथ ऊपर करके कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आ जाओ मेरे पास। कमल का फूल एक हाथ में वो रखते हैं, बताते हैं संसार में ऐसे रहो, फूलों के जैसा खिलते ही रहो, सुगंधित रहो, दूसरों को भी खुशी दो। और पानी में रहो, पानी से ऊपर रहो, संसार में रहो उससे ऊपर तैरो, संसार को अपने अंदर नहीं डालो। कितना कुछ एक मूर्ति को देखने से उसमें से हमें सीख प्राप्ति होती है, हम सिर्फ जाते हैं देखते देखते कुछ भी नहीं है, प्रसाद लिया, पंडा को पैसा दिया, कुल तिलक लगाया, ऐसा सा देखा, प्रार्थना के आ गए, क्या देखा, वो देखा ना मूर्ति था, क्या क्या मुद्रा है, कैसे कैसे बनाया है, कुछ नहीं देखते, कुछ पूछते नहीं, ये सब हमें कुछ सीख मिलना है करके महान लोगों ने
बनाया है। हर चीज से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, बट वो ढूंढते ही रहना चाहिए, उसका प्यास होना चाहिए, ढूंढते फिरो और मिल जाए। ईश्वर हमारा है, हम ईश्वर के हैं। मेरी पत्नी ईश्वर की है, वो भी ईश्वर के अंश है। मेरा बेटा भी ईश्वर का अंश है। मेरा संसार ईश्वर है। मेरा घर का हर बात ही ईश्वर के है। हम सब ईश्वर के हैं। ऐसे मान के चलो, अलग अलग भेदभाव नहीं रखो। आपके सहारे आपका कुटुंब चलता है, उनके सहारे आप चलते हैं, ऐसे नहीं, सब ईश्वर के सहारे चलते हैं। ऐसे आस्ते आस्ते ईश्वरीय प्रेम अंदर बढ़ता है, ईश्वरीय विश्वास अंदर बढ़ता है। ईश्वरीय विश्वास और ईश्वर हम है, ये बात अंदर फिर आस्ते आस्ते आ जाती है। फिर किधर जाने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। सब कुछ बैठे बैठे वहां मिल जाएगा, सिर्फ मन को बदलने का आवश्यकता है। मन का वृत्ति को बदलो, मन का आकांक्षा को बदलो। दुनिया से आकांक्षा होते उसे छोड़कर ईश्वर के पास आकांक्षा रखो। दृष्टि बदलने की जरूरत है, सृष्टि अपने आप ही बदल दे। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।